हेलो बच्चों, आज की कहानी सुने? आज की कहानी है विवान और चींटियां। तो सुने कहानी। विवान एक प्यारा सा बच्चा था, लेकिन कभी कभी बहुत शैतानी भी करता था। उसको बिस्किट्स खाने बहुत पसंद थे। उसकी मम्मा कहती थी, बेटे बिस्किट तो आप खा लो, लेकिन एक जगह बैठ के खाओ, बोल लेके खाओ। लेकिन विवान वो पूरे घर में कूदता कूदता बिस्किट खाता था, कभी इधर कभी उधर, और सब जगह छोटे छोटे टुकड़े गिर जाते थे बिस्किट के। तो मम्मा उसको बोलती थी, बेटा एक जगह बैठ के खाओ वरना चींटियां आ जाती हैं। लेकिन विवान खेलते खेलते भूल जाता था और फिर पूरे घर में दौड़ता दौड़ता खाता रहता था। एक बार क्या हुआ, विवान ने बिस्किट खाए और मम्मा को बताया नहीं था। तो फिर मम्मा ने विवान को बुलाया, विवान इधर आओ। विवान आ गया। हाँ मम्मा। तो मम्मा ने विवान से पूछा, विवान आपने बिस्किट खाया था? तो विवान ने कहा, हाँ मम्मा मैंने बिस्किट खाया था, लेकिन मैंने लंच टाइम पे नहीं खाया, मैंने लंच के बाद खाया था। तो मम्मा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ, आपने क्या एक जगह बैठ के खाया था, बोल ली थी? तो विवान ने कहा, हाँ मम्मा। तो मम्मा ने पूछा, सच्ची में? तो विवान ने कहा, हाँ मम्मा। तो फिर मम्मा ने कहा, लेकिन चींटियां तो मुझे कुछ और बता रही थी। तो विवान हंसने लगा। विवान ने कहा, मम्मा चींटियां आपसे बात करती हैं कोई? तो मम्मा ने कहा, हाँ चींटियां मुझसे बात करती हैं और मुझे बता के गई थी। तो विवान ने कहा, नहीं मम्मा चींटियां तो बात नहीं करती। तो मम्मा ने कहा, चलो अच्छा आपकी भी बात कराऊं चींटियों से। तो फिर वो दोनों हंसते हंसते चलने लगे। तो फिर मम्मा ने उसको एक जगह ले जाके दिखाया कि इतनी सारी चींटियां वहां पे लाइन बना के चल रही थी और कुछ कुछ के पास बिस्किट्स के छोटे छोटे, किसी के पास बड़े बड़े टुकड़े थे, और सब लेके चले जा रही थी, चले जा रही थी, चले जा रही थी। विवान ये देख के बोला, ओ मम्मा सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम से पक्का बोल लेके खाऊंगा, एक जगह बैठ के खाऊंगा, फिर मैं ऐसे भाग भाग के नहीं खाऊंगा बिस्किट। तो मम्मा ने कहा, ठीक है बेटा, ओके। बाद में विवान खेलने लगा और उसने डिनर किया और सो गया। अचानक से विवान को लगा कि वो हिल रहा है और वो ऐसा लगा उसको कि वो चल रहा है। उसने जल्दी से उठा, उसने देखा चींटियां उसको उठा के ले जा रही हैं। वो चीखने लगा, मम्मी बचाओ, मम्मी हेल्प, मम्मी। मम्मी जल्दी से आई विवान के पास, विवान विवान बेटा उठो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? विवान उठा, ओ मम्मा थैंक गॉड, ये सपना था, सपने में ना चीटियां मुझको उठा के लेके जा रही थी। मम्मा मैं आगे से कभी गिरा गिरा के नहीं खाऊंगा और मैं एक जगह बैठ के खाऊंगा। मम्मा और विवान दोनों हैप्पी हो गए।